बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंडरी केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का लास्ट वाले जो टॉपिक्स हैं जो उनके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है बेटा यूजेस ऑफ इथाइन। इथाइन के इस्तेमाल क्या क्या हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर दूसरा टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा रिएक्टिविटी। सबसे पहले जो चीज इसका यूजेस है, इथाइन या एसिटाइलीन इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सी एसिटाइलीन। अगर बेटा आप लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स देखो जिसमें हम लोगों ने कंबशन को भी डिस्कस किया था, वहां पे हम लोगों ने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। यानी कि जब हम लोग कंबस्ट करते हैं, जलाते हैं ऑक्सी सॉरी एसिटाइलीन को, तो फ्लेम प्रोड्यूस होता है जिसको ऑक्सी एसिटाइलीन का नाम देते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर तो होता ही है कि जो अल्केन्स हैं इनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन जो होती है वो होती है ज्यादा, सॉरी परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है कम। इस वजह से इनका जो फ्लेम होता है ना वो लेस स्मोकियर होता है। अल्कीन में परसेंटेज कार्बन की ज्यादा होती है, इस वजह से वो स्मोकियर फ्लेम ज्यादा हो जाएगा। और सबसे ज्यादा स्मोकियर जो होता है ना वो अल्काइन का होता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज कार्बन की मैक्सिमम होती है। कार्बन टू हाइड्रोजन रेशियो भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे अगर अल्काइन की बात करते हैं तो वहां पे सी एच अल्केन की C2H6 है, तो अल्कीन में अरे C2H4 है, अल्काइन में अरे C2H2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज ऑलमोस्ट अगर हम लोग कहें तो 50% बन जाती है। यहाँ पे अगर हम लोग करें तो 1:2 यहाँ पे बन जाएगी, 1:2 बन जाएगी। यहाँ पे हम लोग रेशियो ही कर लेते हैं, 1:1 बन जाती है, यहाँ पे रेशियो बनते 1:3 जो होती है वो बनती है। तो इसी के अंदर क्या है, देखें हम लोग कार्बन की परसेंटेज इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन रेशियो, कार्बन की ज्यादा है, फिर इसमें कम है, इसमें मजीद कम है। यानी कि अगर हम लोग इसको निकाल लें तो ये बनेगा 1/3, ये बनेगा 1/2, ये 1/1 आएगा। तो इसमें परसेंटेज कार्बन की सबसे ज्यादा किसमें हुई, इसमें हुई। तो यानी कि इसका आंसर 1 आएगा, इसका 0.5 आएगा, इसका 0.33 आएगा, ये आ जाएगा 0.5, ये रेशियो 1 आएगी। यानी कि सबसे ज्यादा रेशियो किसकी है, इसके अंदर है, अल्काइन में है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जिसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा होती है उसका स्मोक जो होता है वो ज्यादा, उसका जो फ्लेम होता है वो ज्यादा स्मोकियर प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर बेटा क्या है, कार्बन जो अल्काइन वाला होगा वो ज्यादा स्मोकियर होगा, अल्कीन वाला कम होगा, अल्केन वाला सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें कुछ अनबर्न्ड कार्बन जो होता है वो भी बाहर निकल जाता है, दैट्स वाई वो ज्यादा स्मोकियर प्रोड्यूस करवाएगा फ्लेम। तो बेटा अब हम लोगों ने करना ये है कि यही जो कार्बन होता है ना इसी कार्बन के साथ ऑक्सीजन की परसेंटेज बढ़ाते जानी, क्योंकि तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज घटते जाएंगे, बाहर से ज्यादा ऑक्सीजन देंगे तो वहां पर चीज ये होगी जो फ्लेम होगा वो लेस स्मोकियर प्रोड्यूस होगा और बर्निंग आसानी से होगी। जब ज्यादा आसानी से बर्निंग होगी तो वहां पर जो फ्लेम होगा उसका टेम्परेचर भी हाई हो जाता है। तो राउंड अबाउट अगर हम लोग 99% तक ऑक्सीजन दे दें बाहर से, प्योर ऑक्सीजन दे दें, बाकी गैस ना दें, तो वहां पर ये होगा कि जो हमारा फ्लेम प्रोड्यूस होगा ऑक्सी एसिटाइलीन कहलाता है वो, उस ऑक्सी एसिटाइलीन का टेम्परेचर राउंड अबाउट 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशन लें, जैसे हमारे एनवायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, उसमें अल्काइन सबसे ज्यादा फ्लेम देगा, सबसे ज्यादा स्मोक देगा, ये उससे कम, ये उससे कम। लेकिन अगर हम लोग उसको ऑक्सीजन ज्यादा दे देते हैं तो वहां पर जो फ्लेम होगा उसका वो लेस स्मोकियर हो जाएगा और बर्निंग कंप्लीट होगी, जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा भी हुआ है इनकम्प्लीट बर्निंग और कंप्लीट बर्निंग, तो वो आप लोग अल्केन में से देख सकते हो। अल्काइन के अंदर बेटा क्या होगा, जब कंप्लीट बर्निंग करवानी है मैक्सिमम ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, 99% तक कंप्लीट प्योर ऑक्सीजन देंगे, यानी कि बाकी गैसेज नहीं होंगी। टेम्परेचर उसका मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 या तकरीबन 3500 डिग्री सेंटीग्रेड के राउंड अबाउट टेम्परेचर बन जाता है। इतने ज्यादा टेम्परेचर को फिर हम लोग वेल्डिंग करवाने के लिए, मेटल्स को कट करवाने के लिए और मेटल्स को पिघलाने वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी होता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, हाउ हाउ ऑक्सीएसिटाइलिन इज प्रिपेयर्ड, ऑक्सीएसिटाइलिन कैसे प्रिपेयर करते हैं। दूसरा हमारे पास होता है, हाँ जी, प्रिपरेशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, जैसे अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिटिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, एसिटाइलिन हाइड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसिटाइलिन हाइड वगैरह जो हम लोगों ने प्रिपेयर करना है ना, ये सारी की सारी चीजें जो हम लोग प्रिपेयर जो है वो करते हैं, आगे चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे हम लोग इसका रिएक्शन। बल्कि इसके अलावा हम लोगों ने जब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइन्स पढ़ा है, उसके अंदर इसमें से बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस भी की है, जैसे हम लोगों ने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के अल्कोहल प्रिपेयर करवाया था। इसी तरीके से एसिटाल्डिहाइड भी हम लोगों ने एल्डिहाइड वगैरह ऑक्सीडेशन के जरिए से करवाए थे, कीटोन प्रिपेयर करवाए थे ऑक्सीडेशन के जरिए से, तो बेटा सारे के सारे इसके रिएक्शन के जरिए से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते। फिर आ जाता है, हम लोग इसके जरिए से पॉलीमर्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने रिएक्शंस में पढ़ा था, पॉलीमराइजेशन वाला, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था विनाइल क्लोराइड को आगे हम लोग पॉली विनाइल क्लोराइड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पॉली विनाइल क्लोराइड जो कि हम लोग चैप्टर 14 में पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में, वहां पर यह जो पीवीसी पाइप्स होते हैं वो पानी की वायरिंग के लिए, सेवेज वगैरह के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर पॉलीविनाइल एसीटेट के लिए, पॉलीस्टाइरीन के लिए, पॉलीएस्टर्स वगैरह के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी पॉलीमर केमिस्ट्री चैप्टर 14 में आएगा इंशाल्लाह। फिर इसके जरिए से एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड प्रिपेयर करते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था रिएक्शन विद हेलोजन। जब रिएक्शन हेलोजन के साथ करवाते हैं, उस हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाने के दौरान में एसिटाइलिन के अंदर अगर हम लोग क्लोरीन का एडिशन करवाते हैं, तीनों बॉन्ड ब्रेक, दो बॉन्ड ब्रेक करवा दें, पाई वाले और एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड वाला मौजूद रहे, दोनों साइडों के ऊपर कार्बन क्लोरीन क्लोरीन जुड़ जाए, यानी कि चार क्लोरीन दो एक कार्बन पे, दो दूसरे कार्बन पर जुड़ जाए, तो वो एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड बनता है, जिसको हम लोग फिर बाद में वार्निशेज के लिए, फिर हम लोग प्रिंटिंग इंडस्ट्री में और पेंट इंडस्ट्री वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल कर, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद आता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट एमसीक्यूज के अंदर भी आता है कि कौन सी गैस राइपनिंग ऑफ फ्रूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप लोगों ने बायोलॉजी सेकंड ईयर में भी पढ़ा है, हम लोगों ने 10th की केमिस्ट्री में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर कैसे है राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में, किस तरीके से होगा? बुनियादी तौर के ऊपर ना इथाइन या एसिटाइलिन जो होता है, जब ये रिलीज होता है ना, उसके रिलीज की बुनियाद के ऊपर प्लांट्स में एक एंजाइम्स कुछ सक्रिय होते हैं। अब वो जो एंजाइम सक्रिय होते हैं, वो उनके अंदर मौजूद जो फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स की राइपनिंग आसानी से करवा जाते हैं, और उसी राइपनिंग के बुनियाद के ऊपर वो आसानी से अपने टेस्ट को भी मेंटेन कर लेता है। लेकिन हम लोग मसनूई तौर के ऊपर भी इसकी राइपनिंग करते हैं। वो मसनूई तौर के ऊपर राइपनिंग कैसे करते हैं? कैल्शियम कार्बाइड, अगर आप लोगों को याद हो, CaCO2, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन में हम लोगों ने पढ़ा था बेटा के कैल्शियम कार्बाइड से हम लोग इथाइन प्रिपेयर करते हैं। वो कैल्शियम कार्बाइड से कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लस हम लोगों ने वाटर का रिएक्शन करवाया था, तो वो प्रिपेयर हो गया था HCl ट्रिपल बॉन्ड CH, प्लस बन गया था साथ में CaOH2। तो बेटा किया ये जाता है आर्टिफिशियल राइपनिंग के लिए, अगर हम लोग बाजार से फ्रूट वगैरह लेके आते हैं ना, पेटियों के अंदर जो लेके आते हैं, तो हम लोग देखते हैं उसमें एक पुड़िया मौजूद होती है, थैली से छोटी सी मौजूद होती है, चाहे वो कागज के अंदर अगर ढकी हुई हो या किसी और कपड़े वगैरह के अंदर मौजूद हो, तो करते ये हैं, वो कैल्शियम कार्बाइड लेते हैं थोड़ा सा, या तो उसको पानी के अंदर डिप कर देते हैं, पहले पानी के अंदर डिप करके, हल्का सा डिप करके निकाला, निकाल के उसको फ्रूट की वही पेटी में रख दिया, या फिर सिंपली उसको उसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड डाला पुड़िया में, वो डाल के ना उस पेटी में रख दिया। क्योंकि ये जो फ्रेश फ्रूट होते हैं ना, उसमें कुछ मॉइस्चर तो होता है, वो मॉइस्चर सक्रिएट होगा, उसी मॉइस्चर के सक्रिएट होने के बुनियाद के ऊपर पानी होगा, वो पानी कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्शन करेगा, इथाइन प्रोड्यूस होगा। जब ये इथाइन प्रोड्यूस होगा ना, वो इथाइन जो होता है, ये फिर जाके बेटा फ्रूट्स के अंदर से एंजाइम की सक्रीशन करवाएगा, जब एंजाइम की सक्रीशन करवाएगा तो वो एंजाइम उसकी राइपनिंग कर लेते हैं। इस तरीके से जो मसनूई तौर पर हम लोग राइपनिंग कर रहे होते हैं बनाना की, मैंगो की, एप्पल्स वगैरह की और बाकी सारे फ्रूट्स के भी, हम लोग जब राइपनिंग करवाते हैं वो इस तरीके से बुनियादी तौर के ऊपर होता यह है कि नेचुरल राइपनिंग, कुदरती तौर पर जो राइपनिंग होती है ना, वो इथाइन की वजह से ही होती है प्लांट्स में। प्लांट्स जैसे ही मेच्योर हो जाते हैं, मेच्योर होने के बुनियाद के ऊपर अगर किसी भी उनके अंदर इथाइन की प्रोडक्शन होती है, किसी भी वजह से अगर किसी जगह से जो एक फ्रूट है वो जख्मी हो जाए,
जैसे इंसेक्ट वगैरह ने अटैक किया है या फिर कैसे किसी परिंदे ने उसको बाइट कर लिया है, तो वहां पर बर्ड की बाइट से थोड़ा सा सुराख बनेगा, वहां पर से इथाइन रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। वो इथाइन जो रिलीज होगी वो इर्द गिर्द के जितने भी फ्रूट्स होंगे उनके अंदर एंजाइम की सिक्रीशन करवाएगी, और वो एंजाइम की सिक्रीशन जो होगी उसकी रैगिंग करवाएगी। ठीक है, तो फिर लेकिन यहाँ पे एक चीज का बेटा साइड इफेक्ट भी है कि हम लोग आर्टिफिशियल राइपनिंग कैल्शियम कार्बाइड की वजह से कर लेते हैं, लेकिन ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक मतलब कैंसर काजिंग एजेंट है, वो कैंसर काजिंग एजेंट हमारे लंग्स को, हमारे स्टमक को, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे पूरे को, इफेक्ट हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ही कैंसर काज कर सकती है। इसलिए इसको ना गवर्नमेंट ने बैन भी किया हुआ है कि हम लोगों ने इसको इस्तेमाल नहीं करना, फिर भी यूज कर रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कैल्शियम कार्बाइड के जैसे पके हुए फ्रूट्स हैं वो हम लोग ना ही खाएं तो बेहतर है। अब उनमें डिफरेंस कैसे किया जा सकता है? अब डिफरेंस में बेटा ये है कि जब हम लोग ये देखते हैं कैल्शियम कार्बाइड है, कैल्शियम कार्बाइड की पुड़िया यहां पे पड़ी है फ्रूट का ना, ये वाली साइड, चलो ये वाली साइड ना इसके साथ टच में है, ये ऐसे करते हैं, ये वाली साइड, ये रेड कैप वाली साइड उसके साथ टच में है। जब कैप वाली साइड टच में है तो यहां पर से जो इथाइन निकलेगी ना, वो इथाइन सिर्फ इतने हिस्से को इन्फ्लुएंस करेगी, इतने हिस्से के ऊपर असर अंदाज होगी, ये वाला हिस्सा पक जाएगा, ये वाला हिस्सा अनराइपेंड रह जाएगा, बगैर पका हुआ रह जाएगा। तो ये डिफरेंस हो जाएगा कि ये इधर से राइपेंड है, इधर से राइपेंड नहीं है। तो इसी बुनियाद के ऊपर अगर हम लोग नेचुरली देखेंगे, नेचुरली जब इथाइन की सिक्रीशन होगी वो पूरे पूरे फ्रूट के ऊपर एक जैसी होगी, जिस वजह से पूरे का पूरा फ्रूट एक जैसा ही पका हुआ होगा, कहीं से कच्चा नहीं होगा, सारा इक्वली होगा। अब जो आर्टिफिशियली पका हुआ है, क्योंकि इथाइन का इफेक्ट यहां पर इतने हिस्से तक ही था, इस वजह से इसका टेस्ट और होगा, इसका टेस्ट और होगा, वो टेस्ट डिफरेंस होगा। लेकिन अगर नेचुरल है तो सारी सारी जगहों के ऊपर फ्रूट का टेस्ट एक जैसा ही होगा। इसके अलावा हम लोग एक और भी डिफरेंस कर सकते होते हैं बेटा कि अगर हम लोग जो आर्टिफिशियली पका हुआ फ्रूट होगा उसको लें, उसको हम लोग ना आग लगा के चेक करें, हल्की हल्की से ना उसको आग लगेगी, क्योंकि वहां पर क्या होगा, इथाइन उसके साइडों के ऊपर अटैच होगा, इस वजह से हल्की हल्की उसको आग लगेगी, लेकिन जो नेचुरली पका हुआ होगा उसको आग नहीं लगती। ये बेटा उनमें कुछ डिफरेंस होते हैं, इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करके इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है बेटा रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर हम लोग बुनियादी तौर पर बोलते हैं कि हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है, अल्केन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, या अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव। तो अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, अल्काइन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन, अल्कीन सबसे रिएक्टिव, अल्काइन उससे कम, अल्केन सबसे कम रिएक्टिव। उसकी वजह बेटा ये है कि अल्काइन जो होता है ना, अल्काइन में कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, और ये सिंगल बॉन्ड भी कौन सा है, सिग्मा वाला है। हम लोगों ने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है, वहां पे क्या डिस्कस किया था, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वहां पर पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई की पावर ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, मोर होती है, ज्यादा होती है। जब ज्यादा पावर ऑफ अट्रैक्शन होती है उस वजह से वहां पर ब्रेक करवाना यहां पर क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट ब्रेक, वहां पर डिफिकल्ट होगा ब्रेक करना। जब ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, लेस रिएक्टिव होगा। इसी वजह से हम लोग ये बोलते हैं कि जो अल्केन्स हैं वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि उनमें सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग की वजह से बन रहे होते हैं। जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग अपनी क्लियर की वजह से बन रहे होते हैं तो उस बुनियाद के ऊपर पावर अट्रैक्शन ज्यादा और वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ब्रेक करना डिफिकल्ट होता है। अल्कीन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसी अल्केन में कार्बन और कार्बन के दरमियान बेटा डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है सिग्मा, एक बॉन्ड होता है पाई, और ये अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन अल्काइन कम रिएक्टिव है। अल्काइन में हम लोग देखते हैं तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, अल्काइन में दो पाई होते हैं, एक सिग्मा होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनना चाहिए कि सर यहाँ पे दो पाई है तो वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, एक पाई है तो कम रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव होना चाहिए, लेकिन ये ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव। उसकी रीजन मैंने आप लोगों को पहले भी बताई हुई है थोड़ी सी, अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान में क्या है, एक तो चीज यह है प्रीवियस लेक्चर में, इसके नेचर में भी हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कस की थी। अब यहां पर क्या है कि पाई बॉन्ड है ना, पाई बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो
इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर पावर ऑफ अट्रैक्शन जो लगा रहे होते हैं वो क्या करते हैं, कम लगाते हैं। उस कम पावर ऑफ अट्रैक्शन के लगाने की बुनियाद के ऊपर ना इनके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। सपोज कर लेते हैं इसके अंदर होते हैं 134 पिकोमीटर, ठीक है, क्योंकि वो दोनों आपस में नजदीक नहीं है। पिछले सिग्नेचर में देखो, मैंने बड़ी डिटेल में आप लोगों को बंदर के एग्जाम्पल के साथ समझाया था। तो यहां पर बेटा क्या है, बॉन्ड लेंथ इनके अंदर ज्यादा होती है, इनके अंदर बॉन्ड लेंथ अल्काइन में कम होती है। वो कैसे, कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना। जब इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है तो वहां पर पावर अट्रैक्शन क्या करता है, कुछ ज्यादा लगा रहा होता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी पावर अट्रैक्शन भी ज्यादा हो जाएगी, तो उसी बुनियाद के ऊपर इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो कम हो जाती है। लेट्स सपोज उनकी बॉन्ड लेंथ हो जाती है 112 पिकोमीटर, 112 पिकोमीटर, उसके अंदर बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ कम है, तो उसी बुनियाद के ऊपर वो क्या हो जाएगा, वो नजदीक आ जाएंगे। जब नजदीक आ जाएंगे तो तोड़ना उनको मुश्किल हो जाएगा। इनके अंदर बॉन्ड लेंथ जो है वो ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर वो ज्यादा दूर चले जाते हैं और उनको तोड़ना आसान हो जाए। इसके अलावा एक और चीज मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, इसमें चूंकि 8 पाई है, ये क्या होता है, मोर डिफ्यूज होता है, मोर डिफ्यूज या मोर डिस्पर्स होता है, ज्यादा बिखरा हुआ होता है। जब ये ज्यादा बिखरा हुआ होगा तो उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर से प्रोमिनेंट नजर आ रहे होते हैं। इसी की बुनियाद के ऊपर इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस होंगे ना वो ये बहुत ज्यादा शो करता है। लेकिन अल्काइन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर लेस डिफ्यूज, थोड़े डिफ्यूज होते हैं या लेस डिस्पर्स, थोड़े बिखरे हुए होते हैं। जब थोड़े बिखरे हुए होंगे तो उन थोड़े बिखरे हुए होने की बुनियाद के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस होंगे ना ये हमारे पास यहाँ पे कम शो करवाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन ज्यादा वाजे नहीं होते, इस वजह से ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो है वो शो करते हैं। बाकी तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर सिग्नेचर वाले में पढ़ा था कि वो पोलर नेचर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। पोलर नेचर के अंदर कन्वर्ट होने के रीजन भी यहाँ पे ये है, तो वो आपस में ज्यादा पावर ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, इस वजह से हाइड्रोजन के साथ मौजूद शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहे हैं। ठीक है बेटा, ये एक दो देखो ना लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया हुआ है, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन अल्कीन एंड अल्काइन, तो अपन लोगों ने उसको ये भी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी पूछता है कि व्हाई अल्केन्स आर मोर लेस रिएक्टिव देन अल्काइन्स या व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्काइन्स, तो इनको शॉर्ट के अंदर भी और लॉन्ग के अंदर भी पूछ लेता है, आप लोगों ने उसी के हवाले से कर लेना है। ज्यादा डिटेल मैंने रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन और अल्काइन में आप लोगों को बता दी है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बताई, नॉर्मल डिटेल जितने हमारे टॉपिक में चाहिए थी इसमें उतने बताइए। अगर आप लोगों ने ज्यादा डिटेल देखे तो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर से देख सकते हो। ये हमारा पूरे का पूरा चैप्टर 8 वाला कंप्लीट हो गया आज। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले चैप्टर्स के साथ हम लोग फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह।